तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि किसी भी घटना को आप इंतज़ार तो कीजिए, आप पोस्टमार्टम रिपोर्टर रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी। मध्य प्रदेश की सरकार बेटियों के प्रति इतनी संवेदनशील है और लाडली बहन जैसी योजना बनाती है, वो फास्ट ट्रैक में मुकदमे चला करके बेटियों के बलात्कारियों को फांसी देती है, तो क्या वो बेटियों के प्रति अन्याय होने दे सकती है? पर कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तब तक इंतज़ार करना चाहिए था, पर राजनीतिक स्वार्थ लोगों को धैर्य रखने नहीं देता। और ये जो समाज में सब अराजकता फैलाने पे आमादा है, ऐसे ही असामाजिक तत्वों ने थाने को घेरा और उस व्यक्ति जो जिसका अपराध अभी सिद्ध भी नहीं हुआ उसको पुलिस कस्टडी से छुड़ा रहे थे। पुलिस ने भी पूरी मजबूरी में बेचारी ने, जब कुछ इतना पथराव, 13 पुलिसकर्मी घायल हुए, भारत सिंह जी की खुद की आंख डैमेज हुई है, अब इस स्थिति को देखकर वो क्रिया की प्रतिक्रिया में गोली चालन हुआ और एक निर्दोष बच्चा मारा गया। इस निर्दोष बच्चे के जान जो गई है, ये उन लोग स्वार्थी लोगों के कारण गई जो हर घटना दुर्घटना में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं।